Mr. Deputy Speaker, I rise to move that a bill further to amend National Council of Teacher Education Act 1993 be taken into consideration. Okay, the minister. BA या BCOM BA या BSc BA तो BA है, डिप्लोमा इन एजुकेशन है, BA, DA, BPA, MA, MPA और ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है जो कोर्सेस नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा संचालित होते हैं, रेगुलेट होते हैं। लेकिन इसमें एक, मैं 2016 में जब इस विभाग का मंत्री बना तो मुझे एक फीडबैक मिला कि कुछ जगह का मान्यता नहीं है और स्टूडेंट पास हुए हैं और स्टूडेंट को सफर करना पड़ रहा है। तो मैंने इस विषय पर बैठक ली और 3 अगस्त 2016 को मैंने इंस्ट्रक्शन दिए कि सभी संस्थानों को एक बार सूचित करें कि जिन्होंने मान्यता नहीं ली है वो तुरंत मान्यता ले ले, और इसके लिए फिर ये काम शुरू हुआ और इसमें 17 अभी और 3 की भी जानकारी मिली तो 20 स्टेट यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और NCERT केंद्र की संस्था, तो केंद्र की और राज्य सरकार की जो ऑफिशियल संस्था है, यूनिवर्सिटीज है, उन यूनिवर्सिटी ने कोर्सेज शुरू किए, किसी ने 2011 में किया, किसी ने 2012 में किया। तो हमने जब कहा तो 2015 से लोगों ने एप्लीकेशन दे दिए और उनकी मान्यता हो गई, लेकिन जो बीच के 2 साल 4 साल और कुछ लोगों का ज्यादा 93 में कानून बना उसके पहले से चल रहे, ऐसे भी 2 केसेस हैं। तो ऐसे लोगों के स्टूडेंट्स को ऑफिशियल मान्यता नहीं थी, जो बीएड किए उसको बीएड का मान्यता नहीं, तो उसको दिक्कत आती थी, तो छात्रों का कहीं आंदोलन होने लगा था। तो आपने छात्रों को आश्वासन दिया कि आपको कोई भुगतना नहीं पड़ेगा, जिन्होंने समय पर एप्लीकेशन नहीं किया उनको हम रिस्पॉन्सिबल तय करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे, लेकिन छात्रों को नुकसान नहीं होने देंगे। इसलिए जिन्होंने कोर्स पूरा किया है, जिन्होंने परीक्षा पास की है और जिनका सरकारी ही विश्वविद्यालय है, आइदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, कोई प्राइवेट संस्था इसमें नहीं है, तो ऐसे जो 20 संस्थान है उनके जो बैकलॉग हुआ उन कोर्सेस को, यानी उस पीरियड को मान्यता देने के लिए, पोस्ट फैक्टो मान्यता देने के लिए बिल लाया है। ये बिल छात्रों के हित में है, शिक्षा के हित में है, ताकि एक जो एनोमली रही थी वो हट जाएगी, इसके लिए ये बिल लाया है। चर्चा में कोई सुझाव और होंगे तो उसका भी मैं स्वागत करूंगा। What about the private institutions, as we said, that they have those students who studied there? I'll tell you. Are you going to help them to consider? In a different exercise, we appeal to all institutes, ki if there is anybody, even private, those who have not got recognition and are carrying out the courses, they should inform. But there is no such instance, and therefore, these are only 20 cases. And we are giving that power with this bill to the government.